कसं आहे की आता एमआयएम बोलबा आहे आणि एमआयएमचे दोन सीट आहे मध्य आणि पूर्वचे जे निघू शकतात पूर्व आणि मध्य मध्ये मी जे बोलतोय 95,000 त्यांना मतं ऑलरेडी तिथे मिळालेली आहे तर असल्या परिस्थितीत निवडणुकीला सामोरं जाणार म्हणजे कुठल्याही उमेदवाराला कठीणच आहे जोपर्यंत प्रश्न विचारायचा विचार बघा ओके हमारी अपेक्षा से भी बहुत ही बेहतर ऐसा रिस्पांस हमें मिल रहा है और लोकसभा का चुनाव का जो भी नतीजा रहा उसको पीछे छोड़ते हुए फिर से विधानसभा चुनाव के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर एक कार्यकर्ता में उसी तरह का उत्साह दिख रहा है। जहां पार्टी छोड़ के कुछ बड़े गद्दावर नेता गए उस जगह पे भी लोग आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, सक्षम उम्मीदवार हमें मिल रहे हैं और पूरी ताकत से नई ऊर्जा के साथ हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे बहुत ही आनंद है, समाधान है कि औरंगाबाद में कांग्रेस फिर से ताकत से आगे बढ़ रही है। आज राज्य भर में जिस तरह से रस्तों की अवस्था है उसको मद्देनज़र रखते हुए निश्चित तौर पर हमें संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि ये जो यात्रा जनादेश यात्रा निकाल रहे हैं, एक तो सूखे की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, जहाँ तक अभी तक पानी बरसा नहीं, आपके पास कोई उपाय नहीं, लोग आक्रोशित है, लेकिन रस्ते की परिस्थिति अगर देखा जाए जिस तरह से गड्ढे पड़े हुए हैं तो आप अपना सर ऊँचा करके निश्चित तौर पर जनता को देख नहीं पाएंगे, जनता के सामने नहीं जा पाएंगे। इसका कारण है कि स्पॉन्डिलाइसिस होने की बहुत बड़ी आशंका है और इसलिए वो अपनी निश्चित तौर पर अपने प्रकृति का ख्याल रखें और हम ये चाहेंगे कि रथ तैयार किया है अपनी जनादेश यात्रा को, उसके बजाय आप रनगाड़े का इस्तेमाल कीजिए, निर्मला सीतारमण जी से बात कीजिए और रनगाड़े के साथ में आप निकले और यात्रा निकालें, तब आपकी प्रकृति ठीक रहेगी, आपका स्पॉन्डिलाइसिस नहीं होगा आपको। देखिए, जो जाना चाहते हैं तत्काल निकल जाए, ऐसे जिनके विचारों में भ्रष्टता है उनकी जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस की शुद्धिकरण की मुहिम शुरू है, हमारे यहाँ लाखों कार्यकर्ता उनकी जगह लेने के लिए सक्षम हैं और पूरी ताकत से, जैसे औरंगाबाद में अभी दिखाई दे रहा है, उसी पूरी ताकत से फिर से नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए चेहरे के साथ कांग्रेस जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का नाता जनता से है, नेता ये तो माध्यम थे, कांग्रेस के वजह से नेता बढ़ गए जो जाना चाह रहे हैं, तो जो जाना चाहे जाए, कांग्रेस फिर से ताकत से खड़ी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, सरकार के पास कोई उपाय योजना नहीं है। आज औरंगाबाद में भी आज मैं देख रहा हूँ पानी नहीं बरसा है बहुत दिनों से, शहर में पानी की व्यवस्था किल्लत है, पूरे मराठवाड़ा में नहीं हुआ है, विदर्भ में भी पानी बराबर से बरसा नहीं है, बहुत जगह पे नहीं बरसा है, दुष्काल सूखा ये गए ये पूरे वर्ष भर में लोगों को तकलीफ दे रहा है, सरकार कहीं नज़र नहीं आई, अब बारिश के सीजन में भी ये पानी नहीं बरस रहा है, तो ऐसे वक्त में सरकार के पास कोई उपाय योजना नहीं है और इसी वजह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी परिस्थिति ऐसी हुई है कि जो जहाज़ है इसका जो नियंत्रण खो चुका है सरकार, और सिर्फ इनके पास एक ही उपाय है कि बारिश कब बरसे इसकी राह देखना। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये जनादेश यात्रा निकल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, जनता को सामने जाना है जनता की इनको, और जनता भी उससे सवाल पूछेगी। देखिए, हम ये चाहेंगे कि वंचित आघाड़ी हमारे साथ में आए, ये जिम्मेदारी पूरे देश भर में सबकी है कि संविधान को बचाया जाए, हुकुमशाही से और फिरका परिस्थिति से मुक्ति मिले इस देश को, और बाबा साहब अंबेडकर जी का विचार ये बरकरार रहे, यहाँ गोलवल करके विचार लादने की कोशिश हो रही है, तो निश्चित तौर पर हम ये प्रकाश अम्बेडकर जी से इत्तजा करेंगे कि आप आए साथ में और ताकत से लड़ें, गांभीर्यपूर्वक इसको सामने जाना चाहिए, गंभीरता से हमको सामने जाना चाहिए, संजीदा होके इसको जाना चाहिए, और निश्चित तौर पर
प्रकाश अंबेडकर जी से हम विनती कर रहे हैं कि वो साथ में आए, हम लोग साथ में इसकी लड़ाई लड़े। लेकिन ये कहना चाहेंगे अगर वो नहीं आते तो इतिहास उनको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर जी का विचार और संविधान खतरे में होते वक्त वो अगर अपनी भूमिका अलग रखते हैं तो जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वो आए उनका स्वागत रहेगा, नहीं आए तो ऐसे सभी समविचारी पार्टियों को साथ में लेकर एक ताकत से कांग्रेस एनसीपी इस चुनाव में लड़ेगी और अंबेडकर जी का विचार बरकरार रखने के लिए संविधान के संरक्षण में, संविधान के रक्षण में पूरी तरह से हम जुड़ जाएंगे।